चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना और खुद से ट्राई करना एक बार। बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो 1 to 5 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये 9 तक का दे रहा हूँ मैं, उसके बाद ये 10 का अलग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एकदम, देखो बेसिक से मैंने लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब कि तुम ये समझ लो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपका 20 से 30% का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी 10 एमसीक्यू से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y, देन डेल जेड बाई डेल एक्स आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोग को आपको दे रखा है जेड इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 जेड इक्वल्स टू दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3ax y। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा वेरिएबल कॉन्स्टेंट रेट होगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का रूल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल बिल्कुल सेम है, आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, डिवाइड रूल लगा लो, ठीक है, फॉर्मूलाज लगा लो, सब आपको सेम मिलेंगे। बस आपको एक चीज डिफरेंट करना है, यहाँ पे क्या करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है हम उसी वेरिएबल को ट्रीट करेंगे, बाकी को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देंगे, कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, चलो तो ये ट्रीट होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x2। वाई क्या हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। माइनस 3a, अच्छा x है ना, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 3ay कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन मतलब डेल बाय डेल x, और ये x बचा, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी में याद करो 1 होता है, y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो डेल z बाय डेल x हमारा क्या आ गया 3x2 प्लस 0 तो करना ही नहीं है 3ay, ये तो 1 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो 3ay, तो जहां पे भी ऑप्शन दिख रहा है आपको टिक आउट कर देना है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने दिया, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, इससे क्या होगा ना, मतलब थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, कि सर एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई के रिस्पेक्ट में तुम लोग करके देखो, है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो। डेल जेड बाई डेल वाई कर रहे हैं इस बार, सेम क्वेश्चन है, तो भैया इस बार ये कॉन्सेंट्रेट होगा तो ये जीरो हो गया, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस बार कौन सा कॉन्सटेंट होगा, 3 कॉन्सटेंट, a कॉन्सटेंट एंड x कॉन्सटेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कॉन्सटेंट तो किसका करेंगे हम लोग, सॉरी ये y होगा ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y, तो यहाँ पे y का टर्म, तो y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y2 माइनस 3ax, ये आंसर हो गया। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में बता दिया, y के रिस्पेक्ट में बता दिया, प्रैक्टिस हो गया बच्चों लोगों का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है, इफ u इक्वल टू x की पावर में y, देन डेल u बाई डेल x आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है आपको, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है आपको, यू इक्वल टू एक्स के पार में वाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है आपको क्या बोल रहा, फाइंड आउट करना है डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना, तो वाई कॉन्सेंट्रेट होगा, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स के पार में एन, एन यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होता था, तो क्या लिखते थे एन एक्स एन माइनस वन, तो सेम यहाँ पे रूल लागू होगा, क्योंकि वाई जो है देखो लॉग नहीं लेंगे, अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, तभी वेरिएबल आगे आ पाता,
तब हम आगे चल के डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट वो मैंने आपको फॉर्मूलाज बोला था सेम है, ठीक है, रूल बोला था सेम है, बट आपको यहाँ पे एक चीज तो डिफरेंट है ना भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई कांस्टेंट हो गया, तो वाई कांस्टेंट हो गया तो मतलब अगर पावर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख देना, कांस्टेंट आ गया जाएगा वाई एक्स वाई माइनस वन, तो जहां पे भी ऑप्शन होगा आपको टिक कर देना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन फोर्थ। ओ क्वेश्चन फोर्थ एकदम सेम है, बस वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एकदम सही है, प्रैक्टिस हो रहा है क्वेश्चन का एकदम, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। यू इक्वल टू एक्स के बारे में वाई है, अब डेल यू बाई डेल वाई करना वाई के रिस्पेक्ट में, अब देखो ये कॉन्स्टेंट हो गया, नहीं सॉरी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में तो करना ही, एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, तो अब ये वाला फॉर्मूला करो, बोलोगे सर ए एक्स ए के बारे में एक्स ए कॉन्स्टेंट था तो क्या लिखते थे, ए एक्स लॉग ए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्या लिखोगे, एक्स वाई क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ना, एक्स वाई लॉग कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे, एक्स है, तो यहाँ पे लॉग एक्स कर देना, ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया, देखिए फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ कह रहा है आपको यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये फाइंड आउट करना है, तो देखिए करते हैं इसको, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो सबसे पहले इसको लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और अंदर क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहला काम क्या हुआ कि सर इसको जो है ना वाई के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना, कर दो भैया डेल यू बाई डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे एक्स कॉन्स्टेंट हो गया तो एक्स क्यूब का जीरो और वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, तो देयर फोर डेल यू बाई डेल वाई मेरे पास आ गया थ्री वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ आ गया थ्री वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है और y है ना कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पे, तो मान लो कॉन्स्टेंट मेरा बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा डेल यू बाई डेल एक्स, अंदर क्या बचा वन बचा ना, अब क्या करोगे वन बचा, वन का डिफ्रेंसिएशन कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो आंसर वुड बी जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा उसको टिक करके आइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स कह रहा है यू इक्वल्स टू ई की पावर में वाई अपॉन एक्स देन डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर, ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिख लेते हैं पहले, यू इक्वल्स टू ई की पावर में वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है कि वाई यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट रेट होगा, याद रखिएगा, तो चलिए करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। तो मुझे एक बात बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस पर एक्स क्या होता है, तो ई की पावर में एक्स होता है, अगर मान लो कोई और टर्म हो जाता है जैसे डिफरेंशिएशन में बोलता है ई की पावर में ए एक्स करना, तो इसको क्या एक्स ट्रीट करते हैं ना, तो एक्स ट्रीट करके कैसे करते थे, एक्स ट्रीट कर लिया इसको, तो ई की पावर में एक्स ई की पावर में एक्स, तो एक्स ट्रीट कर रहे बट लिखेंगे हम लोग ए एक्स ही, जिसको ट्रीट किया तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसका डिफरेंशिएशन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ए, तो क्या लिखेंगे ए ई की पावर में ए एक्स, गॉट इट, समझ में आया, वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे, इसको क्या ट्रीट करेंगे एक्स ट्रीट कर लेंगे, ठीक है, एक्स ट्रीट करा तो ई की पावर में एक्स, तो ई की पावर में एक्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, उसके बाद क्या है कि जिसको हम लोग ने ट्रीट किया उसका क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया मेरा वाई अपॉन एक्स का, अब मुझे पता है वाई कॉन्स्टेंट टर्म, तो बाहर करो ए की पावर में वाई अपॉन एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टर्म क्यों भैया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट कर, तो मतलब डिफरेंशिएशन किसका हो गया वन अपॉन एक्स का, अगर किसी बच्चों को पता होगा कि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो डायरेक्टली लिख सकता है, अदरवाइज करके देख लो क्या होता है वन अपॉन एक्स का, देखो यहाँ पे तुम अलाउ है कि तुम डिवाइड रूल भी लगा दो, ठीक है, या तुम इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाओ एक्स की पावर में माइनस वन करके, ठीक है, तुमको जो इजी लगे,
तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, माइनस वन। तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, तो क्या करेगा उसको, माइनस वन आ गया, एक्स के पावर में एक पावर कम होता है, माइनस वन तो क्या, माइनस वन एक्स के पावर में माइनस टू, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर में वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिख ले इसको, लिख लो क्योंकि ऑप्शन मैच करना है हमको। तो लिख देते माइनस साइन को बाहर ले लिया, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को अलग से लिख। तो ये आपके ऑप्शन में है, और जहां पे भी दिखे आप इसको टिक करके आ जाइएगा। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बताया मैंने, ठीक है, कहीं किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करने आओ तो मैं तो इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल ही सकता हूँ कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई फाइंड एफ ऑफ वाई एक्स एट, आपको पॉइंट दे रखा है। चलो कोई नहीं, नॉट द बिग इशू, करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर अभी 7th अभी मैंने दिखाया आपको, मतलब कि बच्चों को कंफ्यूज में ला देगा, क्योंकि डायरेक्टली वो पूछ नहीं रहा है क्या फाइंड आउट करना है ना, मतलब कि डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है या क्या, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है। तो चलो इसका मतलब समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 7 ही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 7, प्रीवियस क्वेश्चन मेरा 6 था, 7। पहले लिख लेते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू हमारा है साइन एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है, ये है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ वाई एक्स, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पॉइंट जो है वो हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मतलब समझना है कि भैया इसका मतलब है क्या, क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। और करके मैं बता देता हूँ, ये आपको बोल रहा है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो बाबू तुम लोग डेल अपॉन डेल वाई है ना, फिर अंदर आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इतना तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या है, गिवन दिया हुआ है, एफ है हमारा साइन एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर लॉग वाई। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इस पूरे टर्म को तुमको क्या मान लेना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को तुमको क्या मानना पड़ेगा, एक्स कंसिडर कर लो, क्या कंसिडर कर लिया, एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, एक्स कंसिडर कर रहे बट लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। फिर एक्स वाई का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, चलो मैं लिख देता हूँ बारी बारी से, कोई स्टेप कट नहीं कर रहा, ठीक है, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग वाई तो मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लॉग वाई तो बाहर लिख दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, तो भैया वाई तो कॉन्स्टेंट है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन, तो मतलब यहाँ से सिर्फ वाई आएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है यहाँ पे हो गया कॉस एक्स वाई इंटू वाई है ना, कॉन्स्टेंट टर्म सिर्फ रह जाएगा, यहाँ पे हो गया टू एक्स लॉग वाई, ठीक है, ये तो आ गया हमारा। अब क्या करना है, इसको जो है उसको y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इसको अब y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, x वाला कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो x वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इसको, चलो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, कोई चारा ही नहीं है, y को रखते हैं, इस पूरे टर्म को x कंसिडर कर लो, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का वन और एक्स कांस्टेंट है तो एक्स हो गया, ठीक है, प्लस ये समझ में आया ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का भाई, क्योंकि इसको लेट किया था ना एक्स, तो एक्स वाई का तो होगा डिफरेंस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई के रिस्पेक्ट में करे तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स को रख दिया, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन हो गया, ठीक है, प्लस
वाई को रखें, हाँ ठीक है वाई को रखें, अच्छा ठीक है प्लस, अब किसको रखेंगे, अब कॉस को रख लो, कॉस एक्स वाई को रख लिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे ना, वाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ठीक है इनटू वन कर, प्लस अब यहाँ पे देखो वाई के रिस्पेक्ट में रहे तो टू एक्स कॉन्स्टेंट, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन वाई वाई, तो टू एक्स इंटू वन अपॉन वाई, ठीक है चलो। अब क्या है कि इसको पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट पॉइंट जो है वो लगा दो, लिख दो एट पॉइंट क्या दे रखा था, 0π/2। अब देखो इसका मतलब क्या, ये एक्स बोल रहा है ये वाई बोल रहा है, तो जहां पे एक्स है वहां 0 पुट करो, साइन 0 0 हो जाता है, पूरा का पूरा डम 0 हो गया, इसकी बात ही नहीं कर रहा, 0 एक्स 0 कोई फर्क नहीं पड़ना, π/2 तो कॉस π/2 होता है 1, ठीक है इसके लिए 1 हो गया, इस टर्म के लिए 1। अब इसके लिए एक्स 0 तो पूरा टर्म को 0 बना देगा, तो क्या है 0 + 1 + 0, तो आंसर क्या आ रहा है, तो 1 पे आपको टिक करके आ जाना है, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब बच्चों लोगों को यहाँ पे ना प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल में परेशानी आ रही होगी पार्शियल वाले पे, इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन के बाद ये जो 8, 9, 10 वाला जो क्वेश्चन है ना मैं उसी पे लेकर के आया, ठीक है ना चलिए करते हैं। प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल वही है, ठीक है तो देखो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है चलो कोई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे z इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है तो क्या करना है हमको, डेल z बाई डेल x करना है, ठीक तो अब आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला तो भैया कॉन्स्टेंट, ये बाहर ही कर दो, ठीक है अब अंदर क्या बचा, साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है चलिए लगाते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू साइन वाई मेरा बाहर है, अंदर यू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन एक्स को रखते हैं, ठीक है ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का साइन एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का करने जाएंगे हम लोग तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो लिख देता हूँ एकदम साफ साफ, एक्स प्लस वाई, ठीक है प्लस साइन एक्स प्लस वाई इस बार रखेंगे, और किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है चलो अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, साइन वाई ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई का करते हो तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और ये कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका कुछ नहीं 1, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, प्लस ये आपका साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स हो गया, ठीक है जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ए बी करके, ठीक है जैसे इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, ठीक है तो ये क्या है मेरा बी है और ये क्या है ए, ठीक है तो फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइन वाई तो मेरा बाहर है, ठीक है ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन, ठीक है एक्स साइन ए प्लस बी, तो ए आपका हो गया प्लस बी हमारा है एक्स प्लस वाई, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है तो ये हो गया आपका साइन वाई, ठीक और इधर आ गया इंटू साइन एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 2x + y, तो जहां पे भी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ये टिक करके आया, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रहेगा ना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आराम से कर पाऊंगा, ठीक है अब इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को मैंने 9th वाले क्वेश्चन में देख लो दिखा देता हूँ, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया वहां पे y के रिस्पेक्ट में करवा दिया मैंने, ठीक है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ देखो 8 वाले क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में था, 9 वाले पे y के रिस्पेक्ट में, चलिए करते हैं।
सेम है, थोड़ा स्टेप थोड़ा करूं मैं स्पीड में, कर सकते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए आप लोग, ठीक है। हर एक स्टेप को आप देख देख के बताना नहीं हो दिमाग में कैलकुलेशन का। तो जेड इक्वल टू क्वेश्चन लिख देता हूँ, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल वाई कर, तो कौन बाहर आएगा कॉन्स्टेंट, साइन एक्स मेरा बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, अंदर क्या बचा साइन वाई साइन एक्स प्लस, ठीक है करते। तो इस बार हमारा साइन एक्स बाहर है, प्रोडक्ट रूल लगा, साइन वाई को रख दो, ठीक है। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का तुम करने जाओगे किसके वाई के रिस्पेक्ट में, तो वन होगा और एक्स का जीरो, तो वन हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन एक्स प्लस वाई को रख दो, और वाई का साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है। चल अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स हो गया, ये हो गया आपका साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है वो साइन एक्स प्लस वाई कॉस वाई, ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ठीक। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे साइन ए प्लस बी का, तो ये साइन एक्स है और यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ए हमारा वाई है प्लस बी हमारा एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो क्या आ गया ये साइन एक्स वाई वाई टू वाई, तो साइन टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। जहां भी आपको ये दिख रहा है टिक करके आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। डिवाइड रूल से बना देना, तुमको क्या सबको मैंने बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला सेम है ना, कॉन्सेप्ट सेम है, डिवाइड रूल सेम है, प्रोडक्ट रूल सेम है, बस एक ही चीज डिफरेंट है जो मैं बता दिया आपको स्टार्टिंग में। क्वेश्चन क्या, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो डिवाइड रूल से डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स को कंसिडर करके चलना है, बाकी सबको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर को रखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, माइनस इस बार हमको रखना है एक्स स्क्वायर, और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है इसका साइन एक्स प्लस वाई का, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का वन और वाई का जीरो, तो ये वन ही हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई टू एक्स को आगे कर दो, 2x sin x plus y minus x square cos x plus y, और डिनोमिनेटर में आ गया sin square x plus y, that is the final answer, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चों को मैंने एकदम कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी होगी आप लोगों को, और भी वीडियोज आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाला वीडियो था, जरूर देखिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।